खूब ज महत्वना समाचार प्राप्त रहा है। कोरोना की जो महामारी है तेने पहुंची वळवा भारत ने वधु एक वेक्सिन मळी है। भारत ने कोरोना ने सामे रक्षण आपती एक वधु एक वेक्सिन मळी है। खूब ज महत्वना समाचार की बात करिए तो रशिया की स्पुतनिक वी वेक्सिन ने मंजूरी हवे आपवामां आवी छे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीए वेक्सिन ने मंजूरी आपी छे, एटले के हवे कोरोना की महामारी सामे लड़वा माटे भारत ने वधु एक वेक्सिन मळी गई छे। स्पुतनिक वेक्सिन ना ट्रायल डेटा सांज सुधी मंजूरी पर अंतिम मोहर की शक्यताओं सेवाई रही छे। खूब ज महत्वना समाचारों प्राप्त थई रह्या छे। स्पुतनिक वेक्सिन ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब साथे करार कर्या छे। वधु माहिती माटे अमारा संवाददाता केतन जोशी जोड़ाया छे। जी केतन, भारत ने वधु एक कोरोना सामे लड़त आपी शके तेवी रसी मळी छे, शुं छे अपडेट? जी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीए स्पुतनिक वी जे छे तेने मंजूरी आपी दीधी छे। रशियानी आ वेक्सिन छे, समग्र विश्वमां रशियाए सौथी पहेला परीक्षण कर्युं हतुं अने मार्केटमां मूकी हती स्पुतनिक वेक्सिन, अने त्यारबाद भारतनी जे डॉक्टर रेड्डी छे हैदराबाद स्थित कंपनी तेनी साथे करार कर्युं हतुं अने भारतमां पण तेनुं उत्पादन थाय ते प्रकारे आयोजन करवामां आव्युं हतुं। अने डॉक्टर रेड्डीने ज्यारे सीधा तेओ मार्केटमां मूकवा मांगता हता त्यारे सरकारे कह्युं हतुं के तेमणे तमाम कंपनीओ जे प्रकारे परीक्षण करे छे पहला बीजा अने त्रीजा ट्रायलनो ते प्रकारे डेटा जमा करावो पड़शे, अने त्रणे परीक्षणना जे डेटा जमा कराव्या बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी जे छे तेमणे केन्द्र सरकारनी तेणे आ मंजूरी आपी दीधी छे, अने सांज सुधीमां केन्द्र सरकारनी पण अंतिम मोहर लागी शके छे आ मंजूरी पर। अत्रे उल्लेखनीय छे के अत्यार सुधीमां बे ज वेक्सिन भारत खाते अवेलेबल छे, कोवेक्सिन अने कोवि શિલ્ડ। આ બંને વેક્સિન અત્યારે ભારતમાં આપવામાં આવી રહી છે અને તેના 10 કરોડથી પણ વધારે ડોઝ અત્યાર સુધીમાં ભારતીયોને આપી દેવામાં આવ્યા છે। બીજી તરફ હવે જ્યારે ત્રીજી વેક્સિન પણ આવશે તો ચોક્કસથી જે વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામ જે છે ભારતનો તેને વેગ મળશે, અને સૂત્રો દ્વારા જે માહિતી મળી રહી છે કે આગામી 10 દિવસની અંદર વધુ બે વેક્સિનને મંજૂરી આપવામાં આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે। જી કેતન, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। સ્પુતનિક વેક્સિન સાંજ સુધી મંજૂરી પર અંતિમ મોહર ની શક્યતા લાગી શકે છે। ત્યાં સુધી ભારત પાસે બી વેક્સિન હતી ત્યારે ભારતને એક નવી વેક્સિન મળી ગઈ છે। સ્પુતનિક વેક્સિન હૈદરાબાદની ડોક્ટર રેડ્ડી લેબ સાથે કરાર કર્યા છે।